हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर रूम। आज हम लोग ऊंचाई से गिरने वाले सामान जो आसानी से फूट जाते हैं उसको बचाने का प्रयास करेंगे साइंस का यूज करके। चलिए शुरू करते हैं। ग्लास को अगर ऊंचाई पर से फेंका जाए तो निश्चित ही फूट जाएगा, लेकिन इसको लैंड कराने के लिए बैलून का यूज किया जाए तो हम लोग सेफली लैंड करा सकते हैं बिना फूटे हार्ड सरफेस पर भी। तो चलिए इसे चार बैलून का यूज करके सेफली लैंड कराते हैं। एक बैलून तो फूट गया, तीन ही बैलून को मैं टेप कर दिया हूँ। अब चलिए इसमें ग्लास लगा देते हैं, उसके बाद इसे फेंकते हैं। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. बैलून तो किसी नुकीले चीज पर लग कर फूट गया, लेकिन चलिए देखते हैं ग्लास बचा है कि नहीं। ग्लास बच गया है, ये टोटली सुरक्षित है, देख सकते हैं। इसमें वेट के अनुसार क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाता है जिससे यह बच जाता है। इस टेक्निक का यूज रॉबर लैंडिंग के लिए भी किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर ऊपर से हार्ड सरफेस पर फेंका जाए तो निश्चित ही फूट जाएगा। फ्लाइंग बैलून ऊपर की ओर उड़ता है, लेकिन इसमें इस इलेक्ट्रिक बल्ब को बांध देने पर यह धीरे धीरे गिरेगा जिससे यह इलेक्ट्रिक बल्ब बच जाएगा। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. यह अंडा अगर ऊंचाई से हार्ड सरफेस पर गिरे तो निश्चित ही यह फूट जाएगा। चलिए इसे फूटने से बचाते हैं। सबसे पहले क्लियर वाटर में वो इस अंडे को डाल के फेंकते हैं, देखते हैं फूटता है कि नहीं। इस बोतल के अंदर अंडा डालने के लिए मैं यहाँ पे चाकू से काट दे रहा हूँ। अब मैं इसमें नॉर्मल वाटर डाल दे रहा हूँ। यह अंडा नॉर्मल वाटर में बॉटम में है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसे अब ऊपर फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंडा पूरी तरह से फूट चुका है। चलिए अब इसी एक्सपेरिमेंट को साल्ट वाटर के साथ करके देखते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस बार देख सकते हैं अंडा यह ऊपर आ गया है। वाटर का डेंसिटी बहुत ही बढ़ चुका है साल्ट के कारण। चलिए अब इसको फेंक के देखते हैं यह बच पाता है कि नहीं। The gravity pulls you straight down.
इस बार तो यह फूटने से बच गया। साल्ट के कारण इस वाटर का इतना डेंसिटी बढ़ गया, जब मैंने इसे ऊपर फेंका और यह जब नीचे आया तो एकदम स्लोली जाके टकराया सरफेस पे, जिससे यह बच गया। ठीक इसी कंसेप्ट पर डेड सी में आदमी तैरते रह जाता है, उसमें नहीं डूब पाता है। डेड सी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट होता है, जिससे उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आदमी फ्लोट करते रहता है। चलिए अब इस कार को पैराशूट का यूज करके फूटने से बचाते हैं। पैराशूट एयर रेसिस्टेंट क्रिएट करता है, जिससे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गिरता है। अगर कोई 60 केजी का आदमी है तो उसे 3 मीटर प्रति सेकंड के दर से गिरने के लिए लगभग 1300 सेंटीमीटर डायमीटर का पैराशूट चाहिए। यह कार मात्र 7 केजी का है, इसलिए मैंने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 4.5 मीटर स्क्वायर का पैराशूट बनाया है। यह कार तो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई बहुत कम है। चलिए इसे और ज्यादा ऊंचा स्थान पर चलते हैं, तब इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं इस पानी टंकी के पास, तो चलिए इस पर चढ़कर कार फेंकते हैं। यहाँ तक चढ़ते चढ़ते पसीना निकल गया है। अभी ऊपर बन रहा है तो रास्ता बंद है, आधे पर से ही गिराएंगे इसको। पैराशूट तो फैला नहीं था, चलिए देखते हैं बच पाया कि नहीं कार। कार पूरी तरह से सुरक्षित है, चलिए इसे फिर से ट्राई करते हैं। इसका बैक लाइट का कवर निकल चुका है, बाकी सब सुरक्षित है अभी भी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। It's all about humanity. It's all about humanity.